गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग का ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के जितने भी मटेरियल हैं वो सारे मैंने आपके स्कूल अर्थ के ऐप में डाल दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उन सारे को उतार भी लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग अगला चैप्टर हिस्ट्री में, चैप्टर 6, द अर्ली स्टेट्स की शुरुआत करेंगे। उसके अंतर्गत जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है जनपद, महाजनपद, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, फोर्टिफिकेशन, द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, मेंटेनिंग द आर्मी, टैक्सेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग सेंटर, सोशल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला टॉपिक है जनपद एंड महाजनपद। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन पीपल सेट देयर फुट एंड सेटल्ड डाउन। एज जनर्स और ट्राइब्स बिकेम आइडेंटिफाइड विद पर्टिकुलर टेरिटरीज, राजन्स ऑफ द जनर्स बिकेम किंग्स ऑफ किंगडम्स ऑफ जनपदास। जनपदा, जनपदा का मतलब होता है लैंड वेयर जना पीपल सेट देयर फुट, वो जमीन जिस पे लोगों ने अपने पद यानी जनपद पैर को रखा। एज जना और ट्राइब्स बिकेम आइडेंटिफाई विद पर्टिकुलर टेरिटरीज, राजन ऑफ जनास बिकेम द किंग्स ऑफ किंगडम ऑफ जनपदास। क्योंकि कबीलों को जन के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया स्टार्टिंग में, ठीक है, और इनका जो मुखिया होता था उनको राजन कहा जाता था। बाद में इनको, इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया जिनको जनपद के नाम से जाना गया। 6th century BC, 6th शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल ऐसे 16 जनपद थे, महाजनपद। ये कई जनपदों को मिलाकर के महाजनपद का निर्माण होता था। तो इस तरह के भारत में 16 महाजनपद थे। पहला था अंग, जो प्रेजेंट में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। दूसरा था मगध, जिसे प्रेजेंट में पटना का क्षेत्र जो है। तीसरा काशी, जिसको प्रेजेंट में हम लोग वाराणसी। चौथा कौशल, जो अवध का क्षेत्र है। पांचवा वैजी, जो नॉर्दर्न बिहार है उसका क्षेत्र। छठा मल, गोरखपुर का क्षेत्र यूपी में। छेदी, ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। कुरु, दिल्ली का क्षेत्र। वत्स, अलाहाबाद। मत्स्य, जयपुर का जो क्षेत्र है आपका। पंचाल, बरेली का क्षेत्र। असाका, गोदावरी के आसपास का जो क्षेत्र है। सूरसेन, मथुरा का क्षेत्र। गांधार, जो प्रेजेंट में रावलपिंडी और काबुल का जो क्षेत्र है। अवंती, उज्जैन और कंबोज, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसे कंबोज के नाम से जाना जाता। तो ये 16 महाजनपद उस समय भारत में थे। अब दूसरा सवाल आता है, किस तरह की सरकार इन महाजनपदों में चलती थी? तो मेनली यहाँ दो तरह की सरकारें चलती थी। एक सरकार वो जिसमें राजा पूरा प्रशासन चलाता था, जिसको मोनार्की कहा जाता था। और दूसरा जो प्रकार था उसमें एक चुना हुआ काउंसिल होता था, परिषद होती थी, जिसमें लोग उसके मेंबर्स को चुनते थे और वही लोग शासन को चलाते थे। इस तरह के शासन को हम लोग रिपब्लिक या गणसंघ के नाम से जानते हैं, मोनार्की। Monarchies. The monarchical Mahajanapadas were ruled by individual kings. Many of the kings of the Mahajanapadas became very popular, and monarchy became the dominant form of state and government. Monarchy ya Rajtantra. Monarchical Mahajanapad were ruled by individual king. Ye rajaon ke dwara shasan kiya jata tha. ठीक है, ज़्यादातर जो राजा थे महाजनपद के वो इतने पावरफुल हो गए क्योंकि ये मोनार्की जो है अब डोमिनेंट कर रहा था एक फॉर्म ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट को। यानी ज़्यादातर महाजनपदों में राजाओं का ही शासन था, मोनार्की थी। एंड बिकम किंग आफ्टर द फादर, किंगशिप वॉज हेरिडेटरी, इट दैट इज द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द किंगडम एंड बिकम किंग आफ्टर द फादर। द किंग केम टू बी सिम्बोलाइज द स्टेट। He had absolute power and was regarded as protector of society and dharma. He was assisted by Amatya, official minister, while governing by the Senapati, while conquering other land, fighting by the Purohita, while performing religious and social duty. Raja ka jo pad hota tha ye vansanugat hota tha.
मतलब राजा, उसके बाद उसका बड़ा पुत्र, है ना। राजा, जैसे राजा की मृत्यु हो जाती है या राजा अपने पद को छोड़ता है, तो उस कंडीशन में उसका बड़ा पुत्र ही वहाँ का राजा बनता था। उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता था, यानी वो जो चाहे सभी लोगों को उसको उसके आदेश अनुसार चलना है, उसकी इच्छा के अनुसार से चलना है। राजा की मदद करने के लिए अमात्य होते थे, मंत्री होते थे, जो कि उनको राजकाज चलाने में मदद करते। सेनापति होते थे जो कि युद्ध में लड़ने के लिए सेना का नेतृत्व किया करते और साथ में बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करने में राजा की मदद करते। तीसरा जो महत्वपूर्ण पद था वो पुरोहितों का था। पुरोहित जो थे उनको धर्म से संबंधित जो भी रिचुअल्स होते थे इन सभी के बारे में बताते और धार्मिक विचार विमर्श के दौरान उनको राजा को परामर्श भी दिया करते, सलाह भी दिया करते। धर्म से रिलेटेड जितनी भी सलाहें थी वो पुरोहितों के द्वारा दी जाती थी। रिपब्लिक या गणसंघ, देखिए यहाँ पर महाजनपद और गणसंघ का मतलब क्या हुआ, क्लियर है कि गणसंघ का मतलब रिपब्लिक, जहाँ पर एक चुने हुए लोगों की संस्था जो है वो शासन चला रही है। गणसंघ में क्या होता था कि लोग अपने रूलर्स को चुनते थे, ठीक है, और वो रूलर्स वहाँ के शासन चलाते थे। ये वंशानुगत नहीं था, यानी जो रूलर ये लोग चुने, जो मेंबर्स चुने, अगर उनके बाद में उनका पुत्र शासन चलाएगा, ऐसा नहीं था। ये लोग समय पड़ने पर उसे बदल भी दिया करते। ज़्यादातर जो लोकतंत्र के जो क्षेत्र थे, रिपब्लिक जो थे, वो लेस फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड में थे, मतलब वैसे क्षेत्र में थे जहाँ ज़मीन कम उपजाऊ थी, जैसे फुटहिल ऑफ हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो गया, पंजाब हो गया। उस समय के वेल नोन रिपब्लिक्स में थे शाक्य, मल्ल, वेजी, यादव, है ना। रिपब्लिक में जो रूल किया जाता था तो उनके चीफ को गणपति के नाम से जाना जाता था। द गणपति वॉज कंसिडर्ड एज अ चीफ रेदर देन अ किंग, उसको राजा की तुलना में मुखिया माना जाता था, उसको राजा की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं हुआ करता था, यानी वो अपने इच्छा से शासन नहीं चला सकता था। अगला टॉपिक है फोर्टिफिकेशन। महाजनपद के, हर एक महाजनपद का कैपिटल सिटी होता था, राजधानी शहर होता था, जहाँ पर राजा और उसका जो मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे प्रशासन से रिलेटेड, सारे वहाँ रहा करते थे, जिसको हम लोग कैपिटल सिटी कहा करते थे। और आमतौर पे जो ये कैपिटल सिटी थी, जो राजधानी जो शहर था, वो उसको चारों तरफ से उसकी किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी यानी ऊँची ऊँची दीवार, है ना, और उसका सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ा हुआ करता था। ऐसे करने के पीछे दो कारण थे, लोगों को ये दिखाना कि महाजनपद जिसमें वो जो महाजनपद है वो कितना पावरफुल है, कितना संपन्न है। दूसरा, जो लोग उस फोर्ट के अंदर में रहते हैं, उस किले बंद शहर के अंदर में रहते हैं, उनको सुरक्षा का एहसास दिलाना, क्योंकि किले के अंदर में रहने का मतलब था कि आपको बाहरी आक्रमण से डर नहीं है, यानी अचानक आपके ऊपर कोई आक्रमण करता भी है तो आप उसको आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मोनार्कीज थी वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहती थी, हर राजा चाहता था कि उसका टेरिटरी जो है, उसका साम्राज्य जो है बड़ा हो। इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी, सबसे पहला ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जा सके और बढ़ती हुई आबादी को भोजन मिल सके। दूसरा, हर राजा जो है एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार जमा करके ये दिखाना चाहता था कि वह आसपास के राजाओं से, दूसरे राजाओं से, दूसरे महाजनपदों की तुलना में ज़्यादा सक्षम या ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे।